प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूँ सिद्रा सत्ती। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल जो है इस वक्त 99 रुपये तक पहुँच गया है, डीजल जो है 118 रुपये तक पहुँच गया है, और इसी के साथ मिट्टी का जो तेल है वो 90 रुपये फी लीटर हो गया है। नाज़रीन, इस महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। जो गरीब था वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि अमीर और गरीब इस वक्त दोनों ही परेशान हाल हैं। अगर आप देखें तो सूरत हाल ऐसी है कि अवाम का यही मुतालबा है कि कहाँ जा रहा है दोस्त ममालिक से लिया गया पैसा, आखिरकार IMF की शराइत मानी जा रही है या पीछे कुछ और कहानी है। इमरान खान तो आए थे तब्दीली का दावा लेकर, मगर क्या तब्दीली पर वो पूरे उतर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर इदरीस ख्वाजा, डीन एयर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, और इसके साथ उनके साथ तशरीफ़ फरमा है नैना अली, जो सीनियर VP हैं ISB वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और एक्टिव फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि क्या हुकूमत करने जा रही है, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लग गई हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि सारा दारोमदार जो है वो पेट्रोल की मसनूआत का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से होता है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा है कि पेट्रोल की कीमतें एक तो इंटरनेशनली इंक्रीज़ हो रही हैं, आपको मालूम है सबको कि हम पेट्रोल जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड पेट्रोल है। जी बिल्कुल, हमें इम्पोर्ट्स पर रिलाई करते हैं, तो चूँकि दुनिया में अगर कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं, अगर दुनिया में कम होती हैं तो हमारे यहाँ कम हो जाती हैं। एक वजह तो यह है कि बतदरीज कीमतें दुनिया में जो है पेट्रोल की बढ़ रही हैं। दूसरी वजह यह भी है कि चूंकि डॉलर की कदर कम हो रही है, और जो चीज़ भी हम इम्पोर्ट करते हैं उसको फॉरेन करेंसी में पे करते हैं, तो वो उस वजह से भी कीमतों पे जो है असर पड़ रहा है। बिल्कुल, डॉलर की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है, और रुपया बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया। रुपये तो अपनी बुकत खो चुका है एक तरह से देखा जाए। अच्छा नैना, आप कैसे देख रही हैं इसे, क्योंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप वाबस्ता हैं, इसका डायरेक्ट जो असर है वो लोगों से है, तो आप बताइए कि ट्रेड के हवाले से किस तरह से ये मसाइल पेश आ रहे हैं? देखिए, पेट्रोलियम जो है एक ट्रेड में या इंडस्ट्री में एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है, क्योंकि पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन को हर चीज़ को फोकस करता है। तो जब आपकी कास्ट हर चीज़ में, क्योंकि हमारा मुल्क पहले ही एनर्जी क्राइसिस में, आपकी कास्ट बढ़ जाती है। हम ट्रेड और इंडस्ट्री को छोड़ के छोटे लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे बात करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री पे बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि एक बंदा जिसकी 14-15 हज़ार रुपया तनख्वाह है, उसका एकदम पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाता है तो उसको किस तरीके से कवर अप देगा? बिल्कुल, आपकी सैलरीज भी वही है, आपकी यूटिलिटीज भी वही है, आपके बच्चे भी वही है, आपके खर्चे भी वही है, हर चीज एकदम उठ जाती है। तो मैं तो समझती हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी अवाम का पिसा हुआ तबका है वो सबसे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने घर का बजट बनाते हैं, वो जिस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की दुनिया में उनके लिए जो है ना सवाए तालियों के और ग्रेटनेस के हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आप ये देखें कि उसी लेवल पर रह के उन्होंने उन्हीं मसाइल को पे, उन्हीं से मसाइल से डील करना है, ना तो इनकम बढ़ी है, और जैसे कि आपने देखा कि अगर इंक्रीज हो रही हैं प्राइजेस, तो वो वही चीज़ है ना, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी तो वही है। तो क्या आप क्या समझती हैं कि ये किस तरह से असरअंदाज हो रहा है ट्रेड को लेकर? देखिए, ट्रेड को तो डेफिनेटली पहले ही हमारी ट्रेड, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है, हम रिलाई करते हैं, हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, हमारा एनर्जी क्राइसिस नहीं होता, हम कभी भी टाइम पे अपने ऑर्डर्स को कम्पीट नहीं कर पाते। जब हम अपने ऑर्डर्स को कम्पीट नहीं कर पाते तो इंटरनेशनल लेवल पे हम चाइना को और इंडिया को कैसे कम्पीट करेंगे? तो एनर्जी, हमारा एनर्जी क्राइसिस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम किसी भी तरीके से उसको फोकस नहीं कर पाते। अदरवाइज आपको पता है सियालकोट, फैसलाबाद, ये हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, तो डेफिनेटली ताजर भी, इंडस्ट्री भी सबसे ज़्यादा परेशान हाल इस टाइम वही है, क्योंकि पहले हमारी हुकूमती पॉलिसियों ने दरमियानी तबका तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, अब हमारे पास दो हो गए हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, अच्छा नैना ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्टर्स ने तो पेट्रोलियम मसनूआत जो कीमतें हैं उनको रद्द कर दिया, तो इससे क्या ट्रेड पर असर हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है। देखें, आपका जो माल अफगानिस्तान से आना है या चमन से आना है या कराची से आना है, तो जब वो जो ट्रांसपोर्टर हड़ताल कर देते हैं तो वो चीज़ें टाइम पे नहीं पहुंच पाती। मैं बीइंग अ वीमेन बात करूंगी, अगर हम छोटे आइटम्स की तरफ आते हैं, सबसे पहले तो फ़र्क पड़ता है जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे। 5 दिन तक अगर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, मुल्क में वाफर मकदार में नहीं पहुँचेगा, मंडियों में नहीं पहुँचेगा, तो आप देखें अफराते सर कहाँ जाएगी, कहाँ से कहाँ कीमतें जाएंगी,
पेट्रोल तो गया ही गया है, खाने से रोटी के लाले भी जाएंगे। बिल्कुल, एक आम इंसान जो है वो सब्जियों और फलों पे गुजारा कर रहा होता है, गोश्त तो बहुत बात की बात आ जाती है, मुतवस्सित तबके का बंदा तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आपका चूंकि काम भी इसी से रिलेटेड है, फल और आपने फ्रेश का जो जिक्र किया था, तो उसमें क्या मसला कुछ पेश आ रहा है अभी फिलहाल जो प्राइस की वजह से? हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना जी, तो उसमें ये होता है कि हमारे साथ पैकिंग मटेरियल से लेके बगीचे वाले से लेके मंडी वाले से लेके एयर कार्गो तक हर बंदा शामिल होता है, तो डेफिनेटली चीज़ें इफेक्ट करती है, क्योंकि हमने तो डॉलर का रेट दे दिया हुआ है $3। अब हमें जो $3 हमने, हम सपोज कर लेते हैं हमने मैंगो का रेट दिया हुआ है एक पैक का $3, लेकिन अभी वो हमें पड़ेगा $4-4.5 में, तो हम कैसे इस नुकसान को हम कैसे कवर अप करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई, लेकिन हमने तो ऑर्डर अपना किया हुआ है 6 माह पहले का, हमारी तो मतलब वो फ्लक्चुएशन नहीं हो सकती ना। अच्छा, वो लॉस में जाएगा, वो लॉस में जाएगा डेफिनेटली। अच्छा, वो जो $1-1.5 पड़ेगा वो हमारे लॉस बियर करना पड़ेगा। जब हम लॉस बियर करेंगे, हमारा टाइम पे ऑर्डर नहीं होगा, तो हम कहाँ से रोटी खाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा सर, आप बताइएगा कि ऐसे वक्त में जब आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफा जो है वो जल्दी पे तेल का काम नहीं कर रहा? देखिए, इसका वक्ती तौर पे जो है को बुरा असर जो है पड़ सकता है, लेकिन देखने की सूरत हाल यह है कि हमारे पास गुंजाइश क्या है, हमारे पास अल्टरनेटिव्स क्या है। अगर जो है इंटरनेशनल कीमतों की वजह से हो रहा है तो सरकार के पास कोई हल नहीं है। डॉलर जो है किसी हद तक हुकूमत उसको कर सकती है। डॉलर को समझने के लिए कि डॉलर की कदर क्यों कम हो रही है, देखिए डॉलर की कीमत बिल्कुल इसी तरह मुकर्रर होती है जैसे मार्केट में आलू प्याज की कीमत जो है मुकर्रर होती है। ठीक है, कि मुल्क में डॉलर आ कितना रहा है, सप्लाई कितनी है, मुल्क में डॉलर की डिमांड कितनी है। बिल्कुल ठीक है, डॉलर की सप्लाई होती है जब आप एक्सपोर्ट्स करते हैं तो आपके मुल्क में डॉलर आता है, जब आपके वर्कर्स जो बाहर गए हुए हैं वो मुल्क में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस होती हैं, तो जो है मुल्क में डॉलर आता है, और अगर कोई आप लोन ले रहे हैं कहीं से तो जो है डॉलर आता है। दूसरी तरफ डॉलर का खर्चा क्या है, आप कहाँ पे डॉलर खर्च करते हैं? जब आप इंपोर्ट्स करते हैं तो जो है डॉलर आप खर्च करते हैं, या आप कोई लोन रीपे कर रहे होते हैं कहीं से आपने लिया होता है तो जो है डॉलर आप खर्च कर रहे हैं। तो चूँकि हमारी इम्पोर्ट्स जो है हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो है हमारा हमेशा जो है ट्रेड डेफिसिट रहता है, और उसकी वजह से डॉलर जो है कम होता है। हुकूमत बहुत थोड़ी हुकूमत के पास गुंजाइश होती है कि अगर स्टेट बैंक के पास कोई रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं तो वो जब डॉलर की मार्केट में सप्लाई कम हो रही हो तो वो मार्केट में इंटरवीन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन वो जब ही मुमकिन है जब स्टेट बैंक के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा हों और वो मार्केट में इंटरवीन कर सकें। लेकिन जब स्टेट बैंक के पास रिजर्व ना हों तो फिर वो इंटरवीन नहीं कर सकते, फिर वो जो मार्केट में जैसे आलू प्याज की कीमत डिटर्मिन होती है वैसे ही होगी। तो चूँकि स्टेट बैंक के पास रिजर्व बहुत कम थे, IMF का प्रोग्राम आपका 3 साल पहले कहीं 2015-12 में जो है ख़त्म हो गया था जी। उसके बाद जो है और एक्सपोर्ट्स हमारी मुसलसल गिर रही। बिल्कुल, और एक्सपोर्ट्स गिरने की वजह जो है एक यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है मार्केट में कम्पटिटिव नहीं, बिल्कुल नहीं है। दूसरे ममालिक की जो चीज़ें हम बेच रहे हैं दूसरे ममालिक शायद हमसे सस्ती कीमत पर बेच रहे हैं, और जो है हमारे पास बिजली महंगी है। बिल्कुल, महंगी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, बिजली हम बहुत महंगी पैदा कर रहे हैं, और बिजली जो हम ज़्यादातर पैदा कर रहे हैं वो थर्मल सोर्सेज से पैदा कर रहे हैं, हाइड्रल सोर्सेज से बहुत कम। तो जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स कम्पिटिटिव नहीं होंगी, हमारे यहाँ डॉलर की सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, तब तक आपको जो है IMF से लोन्स पे दूसरे लोन्स पे जो है लोन्स पे लोन्स लेने कि आप अपने मुल्क में डॉलर आते रहें और उससे जो है आप अपने अखराजात डॉलर के जो है इंपोर्ट्स वगैरह जो है पूरी करते रहें। बिल्कुल। अच्छा नैना, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि वादों के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत ने वादे किए थे कि अशिया सस्ती हो जाएंगी, तो वो अपने वादों से फिर गए हैं, क्या आप समझते हैं? देखिए, इसके मतलब तो मेरे ख्याल एक शेर ही काफ़ी है, तेरे वादे पे जिए जान तो झूठ जाना, मर ना गए होते घर एतबार होता। सियासी वादे, सियासी हुकूमतें, इनके वादे सबके एक जैसे होते सब हैं। इमरान ने एक चेंज का दिया था जिसकी वजह से पूरी यूथ उसके साथ थी, अब वही यूथ मायूस हो रही है। तो इन वादों का के मतलब कुछ भी कहना मेरा ख्याल फजूल है। बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू को जारी करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को दोबारा जारी करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहूँगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से मईशत पे क्या असर पड़ेगा? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशिया जो है महंगी होंगी। एक वजह जो है ट्रांसपोर्ट जो है महंगी होगी, तो मंडी से घर तक जो है चीज़ पहुंचने में जो है जहां 10 में पहुंचनी थी वहां जी 20 में पहुंचेगी। और दूसरा बिजली भी महंगी होगी, क्योंकि हम बिजली पेट्रोल से पैदा कर रहे हैं, तो जब पेट्रोल से महंगा हो रहा है तो इनपुट कॉस्ट बिजली की महंगी हो रही है, बिजली भी महंगी होगी। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, अशिया तो महंगी होंगी। ठीक है, लेकिन मईशत के बारे में बताइएगा कि मईशत किस रुख चली जाएगी, मतलब मजीद ख़राब हो जाएगी, और किस तरह से उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? मईशत को जी एक तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स से जो है बहुत किया जा सकता है, और जो है अपना जो मईशत है उसको डाइवर्सिफाई करके, ख़ासतौर पर जो है आप कारोबार जनरेट जिस तरह कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट का एम्फोसिस है और किस काफ़ी हद तक जो है सही है, जो सेक्टर्स हमने एक्सप्लोर अभी तक नहीं किए उनमें से एक बहुत बड़ा सेक्टर है टूरिज्म। बिल्कुल, टूरिज्म पे हमें जो है जोर देने की ज़रूरत है, उसको जिस हद तक हम इनक्रेज कर सकते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, इमरान खान ने तो हुकूमत में आने से पहले यही बात कही थी कि वो टूरिज्म को फ़रोग देंगे, टूरिज्म से मईशत को बेहतर करेंगे, तो क्या कुछ उसके लिए स्टेप लिए जा रहे हैं? उसके लिए जैसे एक वीज़ा का स्टेप लिया गया है कि बहुत से ई वीज़ा जो है जारी करने शुरू किए गए हैं, और वीज़ा में काफ़ी फैसिलिटेशन जो है दी जा रही है। सर वीज़े के हद तक सर मतलब दूसरे लॉन्ग टर्म जो है वो हैं कि टूरिस्ट रिजॉर्ट्स डेवलप की जाएं, टूरिस्ट रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए सड़कें जो है डेवलप की जाएं, और बहुत सारे तरीके जी। अच्छा आई थिंक नैना कुछ कहना चाहती थी टूरिज्म से रिलेटेड। देखिए टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इवन के बहुत सारे मुल्कों में टूरिज्म ही उनका रेवेन्यू जनरेट करता है जी, जिसमें हम यूरोप को ले सकते हैं, इवन छोटे श्रीलंका को ले सकते हैं जो कि हमारे जैसे हालात से दहशतगर्दी से गुजरा है, हम मालदीव को ले सकते हैं जिनकी इंडस्ट्री ही टूरिज्म है। टूरिज्म के लिए ये है कि आपको अट्रैक्टिव पैकेज देने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा आप कितने पीसफुल हैं, आपके पास दुनिया की जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है रिजॉर्ट्स नहीं है, ईजी एक्सेस नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अब तो खैर आर्मी की वजह से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हमारा टूरिज्म अगर इमरान खान अपने वादे के मुताबिक टूरिज्म पे सिर्फ तवज्जो दे देते हैं और बहुत सारे लोग हमारे टूरिज्म को पसंद करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। अच्छा अगर आप देखें मलेशिया और इन सब ममालिक ने तो टूरिज्म से ही तरक्की की है। जी बिल्कुल की, बिल्कुल। महातिर मोहम्मद आए थे तो वो कह रहे थे कि टूरिज्म जो है उनकी दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, जिससे कि बिल्कुल माइल के बाद बिल्कुल उसके बाद उनकी यूनिवर्सिटी, आप देखिए यूनिवर्सिटीज दुनिया भर की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है वो वहाँ पर मौजूद है मलेशिया में। दूसरा बड़ा जो सेक्टर है हमारे यहाँ वो जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अगर जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज हो तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसी सनत है कि जिससे 30-40 और मजीद सनतें जो है लिंक्ड हैं, कि सैनिटरी की सनत उससे लिंक्ड है, सीमेंट की सनत उससे लिंक्ड है, और तो जॉब क्रिएशन भी उससे हो सकती है, कारोबार भी उससे जो है बढ़ सकता है, और हुकूमत लगता है कि इसमें जो है कोशिश कर रही है कि इसके लिए फंडिंग जो है हमारे यहाँ जो है दुनिया में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, हाउसिंग एक्टिविटी जो है वो मॉर्गेज फाइनेंस चलती है, लोग बैंक्स जो है घर के लिए लोन देते हैं और उससे जो है घर बनते हैं। हमारे यहाँ जो है मॉर्गेज फाइनेंसिंग जो है बहुत कम, और उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, कॉन्सेप्ट जो है टाइटल क्लियर नहीं है घरों का, कि जमीन किसके नाम है किसके नाम नहीं है, बिल्कुल अगर जो है कोई लोन वापस नहीं करेगा तो क्या होगा, फोरक्लोजर लॉस हमारे यहाँ नहीं है। सुना कि आजकल भी लाहौर हाईकोर्ट में फोरक्लोजर लॉस के मामले में जो है एक जो है स्टे ऑर्डर जो है, जब तक वो मसाइल हल नहीं होंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, नहीं हो सकती। तो हमें कंस्ट्रक्शन पे जोर देने की ज़रूरत है, हाउसिंग सेक्टर पे जोर देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा नैना आप बताइएगा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, बड़ी इंडस्ट्रीज तो कुछ ना कुछ करके जो है प्राइस इंक्रीज करके अपना गुजारा कर लेती हैं, छोटी इंडस्ट्रीज चूँकि उनके पास मार्जिन कम होता है, तो वो इस वक्त उनके लिए क्या सिनेरियो हो चुका है, क्या कर रहे हैं छोटी इंडस्ट्री वाले, वो क्या लायामल अख्तियार करेंगे? देखिए आप एक चीज़ की बजटिंग में, आपका 100 रुपये का बजट है और आपको 125 की चीज़ पड़ रही है, तो आप उसमें क्या लाए अमल अख्तियार करेंगे? या तो आप घिसट घिसट के सिसक सिसक के चलेंगे या आप वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि अच्छा। आप देखिए आप डॉक्टर साहब ने बात की मॉर्गेज की, हमारे यहाँ
जो स्मॉल लोन्स हैं उनका इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि बंदा लेने जाए तो पहले उसकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है कि भाई ये भी लेके आओ, वो भी लेके आओ, वो भी ले. भाई आप छोटी कॉटेज इंडस्ट्री को अगर आप चाहते हैं कि वो थोड़ी सी बूम बूस्ट करे, वो थोड़ा सा सांस ले, तो उसके लिए छोटे लोन्स दें, SMEs के लोन्स दें, बगैर पर्सनल लोन्स दें, बगैर किसी गारंटी के लोन्स दें. उससे कम अज कम ये होता है कि आपका बंद होता हुआ यूनिट चलना शुरू हो जाता है. एक अगर यूनिट है कॉटेज इंडस्ट्री की, मैं बात करूंगी, मैं हवातीन की कॉटेज इंडस्ट्री की बात करूंगी, अगर कोई औरत हैंडमेड घर में चीजें बना रही है तो वो अकेली काम नहीं कर रही, उसके साथ 10 वर्कर्स बैठी हुई है, तो वो 10 वर्कर्स जो है ना वो साथ साथ सर्कल चलता रहेगा. बिल्कुल. गवर्नमेंट को टैक्स फ्री जोन बनाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को फैसिलिटेशन सेंटर देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को छोटे लोन्स देने पड़ेंगे, फिर कहीं आके सर्वाइवल हो सकता है. बिल्कुल. अच्छा सर, आप बताइएगा कि चाइना की प्रोडक्ट्स क्योंकि प्राइस में और इन चीज़ों में कम है, हमारी अपनी प्रोडक्ट्स का क्या होगा? देखिए, हमें कंपेटिटिव होना पड़ेगा. हम ये नहीं कर सकते कि फलां मुल्क से इंपोर्ट रोकते हैं, फलां मुल्क से इंपोर्ट रोकते हैं. हमें जो है चीज़ें इस तरीके से बनानी होंगी कि लोग हमारी कीमत कम हो या हमारी क्वालिटी बेहतर हो, कि लोग हमारी चीज़ जो है ख़रीदना चाहें. बिल्कुल. तभी जो है मुमकिन. अच्छा, क्वालिटी से डिपेंड करता है? क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है और एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है. हम कम वक्त में ज़्यादा काम करके अगर चीज़ बनाएंगे तो हमारी लेबर कॉस्ट जो है कम. और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का काम जो है ये नहीं है कि सीमेंट को इनकरेज करना है या टेक्सटाइल को इनकरेज करना है. गवर्नमेंट को तमाम को इनकरेज करना है, तमाम को फ़रोग देना है. गवर्नमेंट का काम जो है फैसिलिटेटर का है. गवर्नमेंट का काम खुद मार्केट में प्लेयर बनने का नहीं. तो गवर्नमेंट अगर बिजनेस को फैसिलिटेट करेगी तमाम सेक्टर्स के लिए. हम एक अरसा से लगे हुए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना है, करना बिल्कुल है. लेकिन अगर आप देखें तो जिस जो सेक्टर्स फरोख पा रहे हैं जी, तो वो एजुकेशन का सेक्टर है जी, वो टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर है. तो मार्केट का एक अपना मैकेनिज्म है, वो गवर्नमेंट के कहने पर नहीं चलती. जिस चीज़ की डिमांड होगी वो चीज़ जी बहुत जो है फरोख पाएगी. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा नैना, आप बताइएगा कि मई के वसत में IMF से बेल आउट पैकेज मिलने का इम्कान है, इस पर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है इस पर डॉक्टर साहब कहें तो ज़्यादा बेहतर है. मैं कहूँगी तो बहुत तलक लग जो मैं कहूँगी. नहीं, मैं दोनों की राय लेना चाहूँगी. डॉक्टर साहब से आप पहले राय लें. जी जी. देखिए, IMF से क्या लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक तो जो इमीडिएट लोन में, एक तो यह है कि IMF का कर्जा जो है उसका उसकी शरह सूद बहुत कम. उसकी conditions of course बहुत tough बहुत tough हैं. वो itself शरह सूद को compete मतलब कर लेती हैं, वो उसको बिल्कुल तोड़ देती हैं. लेकिन IMF से लोन लेना क्यों आपके लिए ज़रूरी है? कि अगर आप वो IMF जो है एक मार्केट में आपकी स्टैंडिंग डेवलप करता है. आजकल अगर आप IMF से लोन नहीं लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से लोन लेना है. तो कहीं ना कहीं से लेने से बेहतर है आप IMF से ले लें. नहीं, आपको और कहीं से लोन मिलेगा नहीं. IMF का लोन देना जो है ये सिग्नल है के IMF को आपकी मईशत पे एतबार है. एतबार है. मार्केट जो है इस सिग्नल को रीड करती है. क्या IMF जो है वो एतबार खुद ही डेवलप करती है क्योंकि वो शराइत उसकी इतनी टफ है तो कुछ जनरेट करती है जी. शराइत टफ है. देखिए, जो लोन देता है जी, उसको ये इंश्योर करना है कि उसका लोन वापस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा. तो वो और वो लोन कैसे वापस करेंगे कि जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जब हम इनकम जनरेट करेंगे कि जिससे हम IMF का पैसा वापस कर सकें. तो लोन देने वाला चूंकि उसने ये देखना है कि क्या आपकी रीपेमेंट एबिलिटी होगी या नहीं, तो इसलिए वो जो है कंडीशंस लगाता है. क्योंकि IMF अपने रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हर चीज़ पे कंडीशंस लगाती है ना, पेट्रोलियम, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ पे. तो वो तो अपने आप को स्केयर कर लेते हैं, लेकिन उनकी इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से हमारी आवाम पिस जाती है. क्योंकि हमारे पास कोई बी प्लान नहीं होता, गवर्नमेंट के पास कोई बी प्लान नहीं होता सिवाय महंगाई का. मतलब आप सिर्फ छोटी चीज़ों पे देखें, आलू प्याज की कीमतें देखें, टमाटर की देखें, तो दूसरी कंट्रीज में देखें बुनियादी जरूरियात कितनी सस्ती हैं. हमारे यहाँ तो बुनियादी जरूरियात पूरी करना एक जान जोखों का. आप खलीज ममालिक में देख लें, वहाँ पे खाना पीना इंतहाई सस्ता है. हाँ, वहाँ पे रेजिडेंस महंगी है, वहाँ पे जॉब्स मुश्किल से मिलती है, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें खाना पीना, दैट इज बुनियादी जरूरियात इजीली अवेलेबल. बिल्कुल. अच्छा, आप बताइएगा कि महंगाई बढ़ गई है, दरामदाद में कमी और तरसीलात ज़र में इजाफा हो गया, इसे कैसे देख रहे हैं आप? में कमी की वजह मैं आपको बता रहा हूँ यही है कि हमारी गुड्स जो है मार्केट में कंपेटिटिव नहीं है. हम महंगी चीज़ बनाते हैं. बिल्कुल. जब तक हम उसको
या तो हम क्वालिटी बेहतर कर सकें, हम अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करके कॉस्ट अपनी कम कर सकें, या हम ऐसी चीज़ बनाएं कि चाहे महंगी भी हो तो लोग खरीदने को तैयार हों, तभी जो है हमारी एक्सपोर्ट्स जो है इंक्रीज हो सकती है। अच्छा, अब आपसे एक और बात जानना चाहूँगी, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आप जानते हैं कि जब आप डॉलर जो है वो एक रुपया महंगा करते हैं तो आपका 900 अरब जो है वो बढ़ जाता है, तो अभी तो 20 से 25 रुपए जो है इन्होंने बढ़ा दिए डॉलर को महंगा, तो क्या हमारे तो मेरे ख्याल में कर्ज़ों में भी इजाफा हो गया फिर तो? कर्ज़ों में इजाफा उससे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी फेलिंग नहीं? देखिए, कर्ज़ों में इजाफा रुपए की, हमने तो डॉलर में कर्जा लिया और डॉलर में वापस करना जी, वो उसको ट्रांसलेट अगर करेंगे तो रुपए में कर्जा बढ़ा है, लेकिन डॉलर तो वही है, डॉलर तो वही है वापस, तो ये सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक है कि रुपए में कर्जा बढ़ गया है, लेकिन हमने चूंकि वापस डॉलर में करना है तो लिया भी डॉलर में, एक डॉलर लिया था, एक डॉलर वापस करना है ऑफ कोर्स शरह सूद के साथ, नहीं तो इससे हमारा कर्ज तो बढ़ गया है ना। अगर आप इन उसमें देखें कि जैसे अगर आप उसको पाकिस्तानी करेंसी में कैलकुलेट करते हैं तो कोई शक नहीं है, लेकिन अच्छा, उसका कोई हल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका रीपे जो है ना उसी में है, उसी में है। अच्छा, वो कभी कभी ना कभी डॉलर 4 रुपए का भी था, बिल्कुल, तो वो 4 से, अच्छा आप नहीं समझते कि इस वक्त अवाम इसहाक डार को याद कर रही है, क्योंकि इसहाक डार के टाइम में डॉलर बहुत कंट्रोल था। देखिए, डॉलर को कंट्रोल करना एक बहुत लिमिटेड अरसे के लिए मुमकिन है, और वो मैंने आपसे कहा कि आर्टिफिशियली मार्केट में डॉलर की सप्लाई इंक्रीज करके ही हो सकता है, और वो तभी हो सकता है कि जो ख़जाना है, जो आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो कि स्टेट बैंक के पास हैं, अगर स्टेट बैंक के पास फॉरेन रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हो तो जो है वो मार्केट में, जब मार्केट में कोई शख्स डॉलर ख़रीदने आता है और डॉलर मौजूद नहीं है तो दो लोग एक साथ आ जाते हैं तो डॉलर की प्राइस ऊपर बढ़ जाएगी, लेकिन अगर साथ में स्टेट बैंक मार्केट में कुछ डॉलर इंजेक्ट भी कर दे तो फिर जो है प्राइस नहीं बढ़ेगी जी। लेकिन उस वक्त चूंकि आप IMF के प्रोग्राम में थे तो IMF से भी आपको लोन मिल रहा था और आप इंटरनेशनल मार्केट से भी बोरो कर रहे थे तो आपके पास डॉलर्स का इनफ्लो जो है हो रहा था। अच्छा, ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि क्या आपको IMF से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये काफ़ी हद तक इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, ये जियो पॉलिटिक्स पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, IMF में आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर जो है अमेरिका की है, तो क्या आपको IMF से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि अमेरिका चाहता है या नहीं चाहता। बिल्कुल, तो अमेरिका गवर्नमेंट ये शुरू में आई थी तो अमेरिका ने कहा था कि वी कैन नॉट लेट IMF लेंड टू पाकिस्तान टू रीपे द चाइनीज डेट, तो उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को इतने आप कह लें कि बहुत अच्छे नहीं थे, अब बदतरीक चूँकि बेहतर हो रहे हैं तो आपको ये भी तवक्को पैदा हो रहा है। बज़ाहिर तौर पे बेहतर हुए हैं, अब अंदरूनी हालात तो हम भी नहीं जानते। जब आपको IMF से लोन मिल रहा है तो आप ये ना कि तो ये अमेरिका की में अमेरिका टर्म्स पे तो अपनी ही मिल रहा है, लेकिन ये आप ना सोचें कि ये अमेरिका की मर्जी के बाहर मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा नैना, आप कुछ कहना चाहेंगी इस हवाले से? देखिए, करप्शन एक डिफरेंट मीडिया है, करप्शन के हवाले से जब आप बात करती हैं तो फिर उसमें मैं और तुम नहीं होते, फिर उसमें इक्वालिटी आती है कि करप्शन मैं स्टार्ट करूंगा, ख़त्म करनी शुरू करूंगा तो मैं अपने घर से करूंगा। मैं करप्ट माशरा तभी दे सकता हूं जब मेरा घर करप्शन फ्री होगा। तो उसके लिए हमें एग्जांपल्स कोट करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि एक करप्ट आदमी को आप अपने बगल में बिठाया हुआ है और दूसरे को करप्ट आप साबित कर रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों को पहले ये देखना होगा कि हम जब एक तब्दीली का नारा लगा के आए हैं, हमने करप्शन फ्री करना है, तो हमें पहले अपने आप को प्रूव करना होगा। आप नहीं समझती अपोजिशन के साथ मिलके उन्हें काम करना चाहिए? डेफिनेटली अपोजिशन के साथ मिलके करना चाहिए। अगर आप मुल्क में जमहूरियत इस्तेकाम चाहते हैं, मईशत की बहाली चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा एक ही टाइम में पंगे नहीं खोलने होते, आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। करप्शन की जड़ें इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती, आप एक टाइम एक ही मीडिया खोल सकते हैं ना, आप हर तरफ अपनी जड़ें नहीं फैला सकते। आपने करप्शन को खत्म करना है, आप एग्जांपल्स कोट करें, आप करप्ट आदमी को हैंग करें, आप 10 करप्ट आदमियों को हैंग करेंगे उसमें कोई कदम उसके लिए ना रखें, रोल मॉडल होगा किसका है, ये अपोजिशन का है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, करप्ट है वो पूरी दुनिया के लिए, अपने लिए भी, अगली नस्ल के लिए भी वो करप्ट है, उसको हैंग किया जाए, आप 20 बंदों को हैंग करें, अगले 5,000 बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आपको एग्जांपल कोट करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ वर्ड नहीं करने पड़ेंगे, आपकी कबीना करप्शन से भरी हुई है और आप दूसरे लोगों को जो है ना वो कह रहे हैं, नहीं आपको एक प्लेटफॉर्म आना है।
ایک پلیٹفارم پہ آنا پڑے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور نینا آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. جی ناظرین, عمران خان کو اگر معیشت کو بہتر کرنا ہے تو انہیں مثالی رول قائم کرنا ہوگا, کرپشن کو ختم کرنا ہوگا اور کرپٹ لوگوں کو سزا دینی ہوگی, اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر مسئلوں کا حل نکالا ہوگا, نہ کہ اپنے تئیں وہ ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں. اسی کے ساتھ میں سدرا ستی ان سائٹ سے چاہتی ہوں اجازت. اللہ حافظ.